नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे पटेला स्लीप फ्रैक्चर्स के बारे में तो पटेला स्लीव फ्रैक्चर्स रेयर इंजरी होती है बच्चों में देखी जाती है आठ और बारह साल के दरमियान ये कैरेक्टराइज होती है जैसे सेपरेट हो जाता है कार्टिलेज स्लीव ऑसिफाइड बोन से डायग्नोसिस एक्सरे पे हो जाता है अगर तो फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड या मिनिमली डिस्प्लेस्ड है तो सिलेंड्रिकल कास्ट दे सकते हैं बच्चे को अगर एक्सटेंसर मैकेनिज्म डिसरप्टेड है और फ्रैक्चर डिस्प्लेस्ड है तो फिर ऑपरेशन जरूरी होता है इंसिडेंट्स देखें तो लेस देन वन परसेंट पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स में देखा गया है मोर देन फिफ्टी परसेंट पटेलर फ्रैक्चर्स जो बच्चों में होते हैं वो स्लीव फ्रैक्चर्स होते हैं ये ज्यादा कॉमन होता है मेल्स में अगर मेल टू फीमेल रेशिया देखें तो फाइव टू वन होता है और ये बच्चों में होता है आठ से बारह साल के बीच ये तब होता है जब पटेलर ऑसिफिकेशन नियरली कंप्लीट हो जाती है तो पैथोफिजियोलॉजी देखें तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है इनडायरेक्ट इंजरी होती है पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल से फ्लेक्स नी में सेपरेशन हो जाता है कार्टिलेज स्लीव का मेन पार्ट ऑफ द पटेला और ऑसिफिक न्यूक्लियस से तो अगर एनाटॉमी देखें तो पटेला लार्जेस्ट एसेमोइड बोन है बॉडी में ऑसिफिकेशन बिगिन होती है तीन से पांच साल में सुपीरियर थ्री फोर्थ पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर्ड होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ थिकेस्ट होती है बॉडी में अप टू वन सेंटीमीटर पोस्टीरियर आर्टिकुलर सरफेस कॉम्प्रोमाइज होती है मीडियल और लैटरल फेसेट से लैटरल फेसेट लार्जर होता है मीडियल फेसेट से और फेसेट सेपरेटेड होते हैं वर्टिकल रेथ से अगर आप सॉफ्ट टिश्यू अटैचमेंट्स देखें तो क्वाड्रिसेप्स टेंडन और फेशियल आटा अटैच होता है एंटीरियर सुपीरियर मार्जिन में क्वाड्रिसेप्स टेंडन होता है तीन लेयर्स में सुपरफिशियल लेयर होता है रेक्टस टेंडन का लेयर फॉर्म होता है वास्टस और वास्टस से और डीप लेयर होता है वास्टस इंटरमीडियस टेंडन से पटेला टेंडन इंफीरियर मार्जिन में अटैच होता है ब्लड सप्लाई देखें तो ये डिराइव होता है रिंग से ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जेनिकुलर आर्टरीज मोस्ट टेंट जो ब्लड सप्लाई होती है पटेला वो कोर पोल से आती है तो अगर क्लासिफिकेशन देखें एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन तो सुपीरियर पोल लीस्ट कॉमन है इंफीरियर पोल डिटैचमेंट मोस्ट कॉमन है प्रेजेंटेशन क्या होती है इनडिरेक्ट इंजरी होता है नॉट एसोसिएटेड डायरेक्ट ब्लो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है कॉड्रेसे मसल की इनफ्लेक्सनी सिवियर नी पेन होता है और बच्चा चलने में पेनफुल होता है दिक्कत होती है चलने में फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है टेंडरनेस होता है और नी ज्वाइंट स्वलन होता है क्योंकि ब्लीडिंग होती है अंदर जिसे हीम कहते हैं पटेला हाई राइडिंग हो जाता है और पेल्पेबल गैप होता है एट द डिस्टल एंड ऑफ पटेला इससे हमें समझ में आता है कि एक्सटेंसर मैकेनिज्म डिसरप्ट हो गया है एक्टिव एक्सटेंशन बहुत डिफिकल्ट होता है स्पेशली अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्सरे रिकमेंडेड होता है एपी लाटरल और टेंजेंशियल तो फाइंडिंग्स क्या होता है छोटे फ्लेक्स बोन के दिखते हैं सुपीरियर या इंफीरियर पोल पे जहां भी इंजरी हो डायग्नोसिस मिस हो सकती है क्योंकि डिजिटल बोनी फ्रैगमेंट गौर से देखना पड़ता है इजिली दिखता नहीं स्लाइड एंटीरियर टिल्ट हो जाता है सुपीरियर पोलो पटेला का ये प्रोक्सिमल फ्रैक्चर्स में देखा जाता है और पटेला अल्टा होता है सीन डिस्टल फ्रैक्चर्स पटेला बाहा होता है सीन विद प्रोक्सिमल फ्रैक्चर्स एम आर आई अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करता है स्लीप फ्रैक्चर जब डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता क्लिनिकल फाइंडिंग रेडियोग्राफ से सो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होती है सिलेंडर कास्ट फॉर सिक्स वीक्स नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर्स जिसमें इंटैक्ट एक्सटेंसर मैकेनिज्म हो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है अगर डिस्प्लेसमेंट तीन मिलीमीटर से ज्यादा है या दो से तीन मिलीमीटर का स्टेप ऑफ है डिसरप्टेड एक्सटेंसर मैकेनिज्म है तो मीडियल पैरापेटेलर अप्रोच लेते हैं नी का रिपेयर करते हैं टोन रेटन मीडियल और लैटरल साइड पे और फ्रैक्चर स्टेबलाइज करते हैं सूचर से या मॉडिफाइड टेंशन बैंड वायरिंग से इंटरफ्रैगमेंट्री स्क्रू भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद सिलेंडर कास्ट देते हैं दो से तीन हफ्ते तक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पटेला आल्टा एक्सटेंसर लाइक क्वाड्रिसेप्स एट्रोफी मैल यूनियन नॉन यूनियन या पेनफुल हार्डवेयर प्रोग्नोसिस क्या होती है हायर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है विथ ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक like बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू